एक ट्रेस को हुआ टीबी तो सलमान ने की मदद, ठीक होकर कहा तस्वीर की पूजा करूंगी। सलमान खान कई अभिनेत्रियों का जीवन संवार चुके हैं, उन्होंने कई अभिनेत्रियों को लॉन्च किया है। ऐसे में उनके साथ फिल्म वीर गति में नजर आ चुकी पूजा डडवाल हाल ही में मौत को मात देकर सही सलामत लौटी हैं और अपनी हालात में सुधार होने के बाद अब पूजा वापस काम करना चाहती हैं। जी हाँ, आपको याद हो बीते साल खबर आई थी कि पूजा को टीबी हो गया है और उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में पूजा 6 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रही और अपना इलाज कराती रही, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उनकी दिक्कतें और बढ़ गई थी। इस बात की खबर जैसे ही सलमान को मिली उन्होंने उनका सपोर्ट किया। ऐसे में हाल ही में ठीक होने के बाद दिए एक इंटरव्यू के दौरान पूजा ने सलमान को लेकर कई बातें की। इस दौरान उन्होंने अपनी बीमारी वाले दिनों को याद करते हुए कहा, मुझे शुरुआत में पता ही नहीं लगा कि मुझे टीबी है। परिवार से भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे उस वक्त खून की उल्टियां होती थी, मेरे बाल भी तेजी से झड़ रहे थे। जब भी मैं कंघी करती तो बालों का गुच्छा निकलता। सारे बाल न झड़ जाएं इसलिए मैंने कंघी करना ही बंद कर दिया था। इसी के साथ आगे पूजा ने कहा कि जब उन्होंने अपने एक डायरेक्टर दोस्त राजेंद्र सिंह को कॉल करते अपनी हालत बताई तो उन्होंने पूजा का मुंबई का टिकट कराया। इसी के साथ पूजा ने कहा, वो मेरी हालत देखकर चौंक गए थे। मेरा वजन उस समय केवल 26 किलो था। राजेंद्र जी ने फिर मुझे शिवड़ी के टीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मेरा इलाज कराया, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से इलाज में दिक्कतें आने लगी। इसी के साथ पूजा ने आगे बताया, लेकिन जब बात मीडिया में आई और ये बात सलमान खान को पता चली तो उन्होंने मेरी मदद की। उनकी टीम मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं शिवड़ी के टीबी हॉस्पिटल से ही अपना इलाज करवाना चाहती थी क्योंकि मैंने सुना था यहाँ इलाज अच्छा होता है। इसके बाद सलमान की टीम ने उस सरकारी हॉस्पिटल को ही प्राइवेट जैसा कर दिया था। मेरे लिए नया बेड से लेकर मेरे खाने पीने तक सब कुछ सलमान की टीम ने किया। वहाँ एक टेकर 24 घंटे मेरे साथ रहता था। आगे पूजा इमोशनल होगी और उन्होंने कहा, मैंने 2 दिन में हॉस्पिटल में 9 लोगों को मरते हुए देखा। मुझे लगा था अब मेरा ही नंबर है, लेकिन सलमान ने मुझे नया जीवन दिया। अब मेरी ये लाइफ उनके नाम है। मैं अब अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। मैं मेहनत करके एक घर खरीदना चाहती हूँ जिसमें मैं भगवान की तस्वीर नहीं बल्कि सलमान की तस्वीर लगाकर पूजा करूँगी। मुझे सलमान से मिलकर उनके पूर छूकर उन्हें धन्यवाद कहना है।